हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज थर्सडे है, ओके। तो मैं साईं बाबा के मैसेज लेती हूँ कि साईं बाबा अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कार्ड मैंने शफल कर रखे हैं और आपके सामने ही शफल करूँगी। टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, आप कभी भी इसको देख सकते हो, और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ओके। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। साई बाबा, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है बाबा, क्या मैसेज है बाबा, प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया था, नीचे गिर गया था, मैंने अभी लिया उसको। डेथ का कार्ड है। मैं यहाँ पर वो सब कार्ड एक साथ निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ। द फूल एंड थैंक यू बाबा, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को सब्सक्राइब के लिए। ओके, क्वेश्चंस एंड वन कार्ड और बाबा, थैंक यू सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हो आप, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि बाबा आपको यहाँ पर देखो, बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, अगर आप अपनी कहते ना कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आपके साथ अच्छा हो, आपकी खुशियाँ पूरी हों और आपकी डेस्टिनी एक पीस और शांति में यहाँ पर जा सके, ठीक है। और यहाँ पर आपको बाबा ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़ें पीछे हो चुकी उन सब चीज़ों को छोड़ो और आगे कुछ अच्छा हो उसके लिए आपको बाबा से प्रेयर करने की ज़रूरत है। आप जिस धर्म के भी हो वहाँ पर आपको प्रेयर प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो कि मुखौटा पहन के आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आपसे आगे से तो बहुत अच्छे से बातें करते होंगे और पीछे से आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में बोली जाती होंगी जो आपके आपके कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता होगा उन सब चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा आपको मैसेज ये भी दे रहे हैं कि उन लोगों को पहचानना सीखो आप, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि जो लोग आपके हित में हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो लोग आपको डेफिनेटली, हर इंसान देखो हमारी लाइफ में जो भी आता है ना, वो इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है। तो जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, जो भी पर्सन है, वो कुछ ना कुछ आपको एक लेसन के रूप में ही आपके सामने दिए जाएंगे ताकि आप उन सब चीज़ों, उन सब इंसानों से कुछ ना कुछ सीखो आप, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज बाबा आपको ये भी दे रहे हैं, अगर आप बाबा को अपने दिल में, अपने घर में एक प्रेयर के रूप में, प्रार्थना के रूप में उनको बुलाते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में एक मिरेकल्स आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। वो चाहते हैं आप जिस धर्म के भी हो, जो भी हो, आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी रखो, पूजा पाठ आराधना, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो जो आपको खुद फील होता होगा कि ये मुखौटा पहन के हमारे सामने आए हुए हैं, जो हमें मूर्ख समझते हैं, हमें पागल समझते हैं, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पीछे हो चुका है उस चीज़ को छोड़ो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, आपकी किस्मत में अच्छा हो तो आपको अपने गुरु, आपके जो भी गुरु हैं उनकी शरण में यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ। थैंक यू बाबा। तो साईं बाबा अभी आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग भी अभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो डेफिनेटली आपको अभी कुछ सिखा रहे हैं तो उनसे सीखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इनसिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ पर देखो, डेथ, जो कुछ भी आपके साथ पीछे कुछ हुआ है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील करते हो, डरे हो, सहमे हो, किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना डर लग रहा है या कोई चीज़ें ऐसी हैं ड्रीम्स के थ्रू आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो वहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके जो भी गुरु हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी शरण में आपको जाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपको डरना नहीं है किसी से भी। ठीक है, उस चीज़ का इफ़ेक्ट देखो क्या होता है ना, हमारे हार्ट चक्रा पे जाता है, वहाँ पर हम इजीली किसी पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इम्पैस, यहाँ पर डेफिनेटली देखो जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है, ये आपका देखो कहते हैं ना रुकावट है आपकी आपकी जर्नी में, आपकी डेस्टिनी में, आप ताकि आप आगे ना बढ़ो, ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको पागल समझ रहे हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो मुखौटा पहन के आपके सामने आते हैं तो उन्हें पहचानना सीखो, वो आपको, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप कुछ करो, उनको वो आपकी एक कहते हैं ना ब्लॉकेज का यहाँ पर काम करते हैं। जो अगर कोई बाबा या कुछ ऐसे साधु संत होते हैं ना बनावटी फेसेस लेके घूमते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपको, उन सब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, बाबा आपको ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड ग्रोथ का, इस कार्ड के नीचे देखो बाबा आपको यही बता रहे हैं अभी कि आपके आसपास जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अभी इस वक्त आ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। जो कुछ भी आप जिस इंसान से कुछ सीख रहे हो, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ, वो आपको डिसाइड करना है कि इस, देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भगवान अच्छाई भी देता है बुराई भी देता है, तो आपको अच्छाइयों को लेना है ताकि आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा सको, और आप आगे ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन आपको समझना है कि कौन लोग मुझे आगे लेके जा रहे हैं और कौन मुझे पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही होगी, एक डर की भावना, ताकि आप वो डाल रहे होंगे ताकि आप आगे ना बढ़ो। कार्ड एकदम निकल रहे हैं, सेल्फ वर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल आपको बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक ज़बरदस्त चेंज है आपके अंदर, पॉजिटिव चेंज है, ताकि आप, अगर आप बाबा से प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो, जिस धर्म के भी उसको मानते हो, करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी पोजीशन पर आपको लेके जाया जा रहा है जहाँ पर आप खुद, आपके अंदर एक विश्वास आ रहा है और एक आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बाबा यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ से रुकने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो कि आपको जाना कहाँ है, यहाँ पर चेयर आपकी लगाई गई है, आप उस चीज़ पे फोकस करो, वहाँ पर आपको जाना है, आपका लाइफ पर्पस क्या है उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो, यहाँ पर डर का कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, आपको अपनी, आपकी जो सोल है ना उसकी ग्रोथ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख सको। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स इससे और लूँगी। बाबा देखो आपको क्लियर कट ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू साईं। 2 कार्ड्स निकले हैं इसमें से। ओके, क्लेवर बैटरी, बिल्कुल यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो चतुर चालाक हैं, जो बहुत मीठे मीठे होते हैं, जो कहते हैं ना फॉक्स कैसी होती है, बहुत तेज़ तर्राट होती है ना, उसका पता ही नहीं चलता किधर आई किधर गई, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। स्टेबिलिटी इन फैमिली, बिल्कुल यहाँ पर आपकी बाबा आपको बता रहे हैं आपकी फैमिली के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, घर में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत आपको एक चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, एक आपके घर में एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, बाबा आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ, 3 कार्ड्स मैं टेरो से निकालूंगी। अब थैंक यू बाबा, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स, जो कि होता है प्रोटेक्शन का।
अपनी केयर खुद करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। बाबा यही बोल रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, ओम साई राम। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप ग्रोथ की तरफ हो, आप कुछ सीख रहे हो, उन लोगों से सीख रहे हो जो आपकी लाइफ में, जो पर्सन अभी आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों से आपको गाइडलाइंस मिल रही होगी, या किसी पर्टिकुलर एक इंसान से भी आपको गाइडलाइंस मिल रही होगी। एक काफ़ी लर्निंग स्टेज पे हो आप, जिसमें आपको डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ है। आप कुछ सीख कर, जान कर आप आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हो। आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे आप ज़बरदस्त काम कर रहे हो, जिससे भी, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है उस पे आप काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर देखोगे। ठीक है, वन कार्ड और बाबा। बिल्कुल थ्री कार्ड्स में बार बार सब कुछ वही मैसेज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा वन कार्ड और ओम साई राम। ओके, देखो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये कार्ड और देखो ये कार्ड सेम आ रहे हैं। ठीक है, या आपको यहाँ पर फोकस रखना है। ठीक है, ये लाइफ पर्पस है आपका, जैसे इसने इसने फोकस लगा रखा है। ठीक है, अपने कैरियर पे आपको जो चीज़ें आप सीख रहे हो, कि भी किसी भी चीज़ में हो आप, ठीक है, उसे बड़े ध्यान से करते हुए, बहुत आपके अंदर एक जज्बा है, एक पैशनेट एनर्जी है, तो किसी से, किसी के डराने धमकाने से या किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस लगाओ, ताकि जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं वो आप उन सबको ले सको। ठीक है, यहाँ पर बाबा यही बताना चाहते थे आपको। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।